नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन के तो बहुत सारे वीडियो मैंने बताए। अब जरूरत है आपके विचारों को बदलने की। ये विचार ही है जो आपको ध्यान में नहीं जाने देते। विचार तरह तरह के बहाने निर्मित होते हैं ध्यान में ले जाने के लिए। ध्यान से एग्जैक्टली क्या होता है? ध्यान से एग्जैक्टली होता है कि आपके सकारात्मक विचारों को प्रबलता मिलती है, नकारात्मक विचार आपको ध्यान में नहीं जाते। हम जिंदगी भर किसमें उलझे रहते हैं? नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहते हैं। नकारात्मक विचार उनमें जबरदस्त आकर्षण रहता है। नेगेटिविटी में क्या रहता है? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। पॉजिटिविटी में क्या रहता है? अट्रैक्शन नहीं रहता, इसलिए पॉजिटिव विचारों की तरफ जाते ही नहीं, हमेशा नेगेटिविटी में उलझे रहते हैं। कोई बीमारी आ गई तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, कोई भी टाइम खराब चल रहा तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, कुछ भी मुश्किल आ गई तो बस वही वही नकारात्मक विचार नकारात्मक विचार नकारात्मक विचार, बराबर हमारा दिमाग वही 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 चक्कर खाता रहता है, चक्कर खाता रहता है, चक्कर खाता रहता है। तो आपको क्या करना है? इस नेगेटिव विचारों की चेन को बीच में तोड़ देना, बीच में तोड़ रहा है इसको। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान नेगेटिविटी की चेन को ब्रेक कर देता है। नेगेटिविटी की चेन को भी ब्रेक करता है और पॉजिटिविटी चेन को भी ब्रेक कर देता है। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों से बाहर निकलकर आपके मन को डीप रिलैक्सेशन देता है। आपके मन को क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? विश्राम की, रिलैक्सेशन। और मेडिटेशन से अच्छी कोई मेडिसिन ही नहीं है रिलैक्सेशन के लिए। मेडिटेशन जरूर कीजिए, इससे क्या होता है फिजिकल और मेंटल दोनों रिलैक्सेशन मिलते हैं और आप एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश। बुढ़ापा क्या चीज़ है? बुढ़ापा वो चीज़ है कि हम बहुत सारे विचारों का बोझ इकट्ठा कर लेते हैं अपने ऊपर, तो क्या होता है पूरी तरह से थक जाते हैं। छोटे बच्चों को देखो, उनके मन में विचारों का बोझ ही नहीं, फूलों की जैसे हल्के फुल्के यहाँ वहाँ खेलते हैं, गहरी नींद सोते हैं। तो विचारों के बोझ से मुक्त होने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। YouTube पर मेरा वीडियो देखिए और कोई भी एक मेडिटेशन जरूर करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।